जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी बताते हैं, मनुष्य बड़ा दुर्बल प्राणी है। जन्म जन्मांतर से उसे विषय सेवन का अभ्यास है। संग भी विषय जगत का है। काम क्रोध लोभ मोह के वश सदा ही वह योनि योनि में रहता आया है। इसलिए मन में विकारों तथा दोषों का रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर भगवान की कृपा से जब मन के दोष दिखने लगते हैं तथा उनके रहने का दुख होने लगता है, तब वे नष्ट होने लगते हैं। वास्तव में संसार के प्राणी पदार्थों में सुख की कल्पना किसी न किसी अंश में बनी रहती है। इसी से अनुकूल विषयों में आसक्ति रहती है, उनके प्राप्त करने की कामना होती है तथा उनके न मिलने या नष्ट हो जाने पर दुख होता है। और इसी से मनुष्य की जानते समझते हुए भी बुरे कर्म में वृत्ति होती है। कई बार भगवान के नाम पर भी ना समझी से विषय आसक्ति वश विषय सेवन होता रहता है, पर भगवत कृपा पर विश्वास करके भगवान के बल से इस प्रवृत्ति को तथा इस प्रकार की इच्छाओं को सर्वथा नष्ट कर देना चाहिए। इंद्रिय सुख लालसा, मान की इच्छा, शरीर के आराम की कामना, अनुकूल प्राणी पदार्थ परिस्थिति की लालसा, ये सभी हमारी यथार्थ भगवत प्रीति में बाधक हैं, परंतु इनका त्याग सहज नहीं है। इसलिए इनके त्याग या नाश की सच इच्छा जागृत करके अपने को सर्वथा निर्बल मानकर सर्वसमर्थ प्रभु के शरण हो जाना चाहिए। प्रभु निर्बल के बल हैं, असहाय के सहारे हैं। वे ऐसे करुणामय हैं कि शरण होने वाले के पापों से घृणा तो करते ही नहीं। छोटे बच्चे का मल जैसे माँ अपने हाथों से धो देती है, उसी प्रकार स्वयं उसके पापों को धोकर साफ कर देते हैं, पाप के मूल तक का नाश कर देते हैं प्रभु। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। उनकी घोषणा है, वे शुद्ध होने पर अपनाते हों ऐसी बात नहीं है। कोई कैसी बुरी से बुरी हालत में हो, वह यदि भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान उसे तुरंत अपना लेते हैं और तुरंत उसके पापों का नाश कर देते हैं। अच्छा होने पर रोगी वैद्य के पास क्यों जाए, रोग की अवस्था में ही वह जाता है और वैद्य उसे अच्छा कर देते हैं। वैद्य की सफलता रोगी को अपनाकर उसे अच्छा करने में ही है। इसी से भगवान पुनीतों की परवाह नहीं करते, शरण आए पामरों पर प्रीति करते हैं। ऐसी कौन प्रभु की रीति, बिरद हेतु पुनीत परिहरी पावरन पर प्रीति। इसीलिए कभी भी निराश न होकर सदा आशावादी रहना चाहिए। भगवान करुणा सागर हैं, उनकी सहज कृपा से हमारे सारे पाप ताप तुरंत वैसे ही नष्ट हो जाएंगे जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। और यह विश्वास करना चाहिए कि भगवान ने मुझे अपना लिया है। जहाँ ऐसा विश्वास होने लगेगा वहीं स्वाभाविक ही पाप ताप नष्ट होने लगेंगे। जहाँ यह विश्वास दृढ़ और निश्चित हो जाएगा वहाँ फिर पाप ताप रहेंगे ही नहीं, सारी अशांति नष्ट होकर शांति की उपलब्धि हो जाएगी। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। शेष सब भगवत कृपा। जय श्री राधे। जय श्री